दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। दोस्तों, यूं तो हम जब भी किसी अपने को बुलाते हैं तो उसका नाम लेकर ही बुलाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुछ लोग अपनों को बुलाने के लिए नाम का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीटी बजाकर ही बुलाते हैं, तो आप में से शायद ही कुछ लोग इसका यकीन करेंगे। ये बात सुनने में काफ़ी अटपटी लगती है, मगर ये एकदम सच है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक गाँव हमारे देश भारत में मौजूद है जिसे द विस्लिंग विलेज के नाम से जाना जाता है, और आज की हमारी वीडियो इसी गांव पर आधारित है। मेघालय में स्थित कोंगथोंग नाम का ये गांव अपने आप में ही अनोखा है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अनोखे कल्चर के कारण ये गांव केवल पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। ये गाँव शिलोंग से 55 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ पड़ता है और यहाँ पहुँचने में करीब 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं है और ना ही कोई सीधी सड़क है जिससे कि आप यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ आने में थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है। लेकिन एक बार यहाँ आने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं, या यूँ कहें कि आप स्वर्ग में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ के लोगों की आबादी 600 से अधिक है। यहाँ के लोगों को कुदरत से बहुत लगाव है, इसलिए वे अपने वातावरण को पूरी तरह साफ रखते हैं। ये लोग बहुत ही सादे, आदर्शक और दयालु किस्म के हैं। इस गांव में एक प्लेग्राउंड भी है जहाँ पर स्थानीय लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। इस गांव में ना तो कोई अस्पताल है और ना ही कोई पुलिस थाना, बस एक डिस्पेंसरी है और 8वीं क्लास तक स्कूल। यहाँ क्राइम रेट बिल्कुल जीरो है, इसलिए ये गांव पूरी तरह सुरक्षित है। इस गांव की एक और खासियत ये है कि यहाँ के पुराने लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए जब पुराने ज़माने में किसी ज़मीन या जायदाद का सौदा होता था तो उसका रिकॉर्ड रख पाना बेहद मुश्किल काम था, इसलिए ऐसे में सौदे के वक्त वह मौसखी नाम का तरीका अपनाते थे जिसमें मौ का मतलब पत्थर और सखी का मतलब सबूत होता है। वह लोग सबूत के तौर पर एक बड़े पत्थर को गांव के पंचायत और जिन लोगों के बीच सौदा होता था उनके सामने रखते थे, जिससे ये मान लिया जाता था कि ये जमीन अब दूसरे परिवार की हो चुकी है। इस गांव के लोग एक दूसरे को सीटी बजाकर ही बुलाते हैं। यहाँ हर शख्स के 2 नाम होते हैं, एक हमारी तरह सामान्य नाम होता है और दूसरा सीटी वाला नाम। सामान्य नामों की तरह हर आदमी का सीटी वाला नाम भी अलग होता है, यानी हर सीटी की धुन अलग होती है। इस धुन को लोग प्रकृति से ही बनाते हैं, जैसे कि पंछियों की आवाज़ों से। गांव में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए एक नई धुन बनाई जाती है। ये धुन उसकी माँ उसे देती है। धीरे धीरे वो बच्चा इस धुन को पहचानने लगता है। बाद में यही धुन उसके नाम और उसकी पहचान का काम करती है। इस धुन को कोई और बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकता। साथ ही साथ जब यहाँ किसी की मौत हो जाती है तो उसकी धुन को बाद में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए जब भी कोई सीटी बजाता है तो उसकी ये आवाज़ कम समय में दूर तक पहुँच जाती है। यहाँ के लोग इस प्रथा को पिछले काफी समय से निभा रहे हैं। इस प्रथा से एक कहानी जुड़ी हुई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि काफी समय पहले एक आदमी जंगल से लकड़ियां लेने गया था, लेकिन चोर डाकुओं से डरकर वह जंगल में छुप गया और अपने दोस्तों को सीटियां बजाकर बुलाने लगा ताकि डाकुओं को उसका पता ना चल सके। इसी तरह उसके साथियों ने उसे बचा लिया। गाँव वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्हें ये तरीका बेहद पसंद आया था, इसलिए
वह अपनों को सीटियां बजाकर बुलाने लगे और तब से लेकर आज तक वह इस प्रथा को निभाते आए हैं। यहाँ के एक निवासी मिस्टर रॉथेल का ये कहना है कि जब उन्होंने देखा कि दूर दराज इलाकों से पर्यटक इस गांव में घूमने आते हैं और यहाँ की काफ़ी तारीफ भी करते हैं, तो उन्हें ख्याल आया कि उन्हें अपना करियर बनाने की जगह इस गांव के लिए कुछ करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देना शुरू किया ताकि पूरी दुनिया को उनके गांव की सुंदरता का पता चल सके। इसके लिए उनकी कोशिशें हमेशा जारी रहेंगी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मेरे हिसाब से आपको अपनी जिंदगी के सुकून के कुछ पल यहाँ पर बिताने के लिए जरूर आना चाहिए और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। वैसे तो मेघालय के मौसम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अक्टूबर से अप्रैल के बीच यहाँ का मौसम एकदम साफ रहता है, जिस बीच आपका यहाँ आना सुरक्षित है। यहाँ का सबसे करीबी एयरपोर्ट शिलोंग में स्थित उमरोए एयरपोर्ट है और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है, जहाँ से आप टैक्सी लेकर शिलोंग पहुँच सकते हैं। शिलोंग से ये गाँव 55 से 60 किलोमीटर दूर पड़ेगा, जहाँ से आप टैक्सी लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन आखिरी 10 किलोमीटर का सफ़र आपको पैदल ही तय करना होगा, क्योंकि फिलहाल इस गांव को शहर से जोड़ने वाली कोई सीधी सड़क नहीं बनी है। यहाँ पहुँचने पर आपको बैम्बू से बना एक गेस्ट हाउस भी मिलेगा, जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट mysteriousnightsindia.blogspot.com पर विजिट भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।